क्लोज करके और दिखा देता हूँ कि व्यूअर्स ये देखें हमने थिक पाइल के अंदर जो है ना इसको बनाया हुआ है। अगर आप इसको साइड को रस्ट मिलेगा, इसके साथ जो है गोल्ड मिलेगा, बेज मिलेगा। और अब सेल वगैरह बिल्कुल नहीं की हुई थी, अगर आप वो बैनर देख सकते हैं ये वाला जो है ना सामने लगा हुआ बैनर, जी हमने सेल का जो है ना वो बैनर लगा दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ख्वाजा फाज शफीक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट व्लॉग के अंदर जिन कार्पेट्स का व्यू करवाया था वो मशीन मेड कार्पेट्स थे, ईरान के बने हुए थे, सिलिकॉन सिल्क में थे। उसकी सारी मैंने डिटेल्स वगैरह जो है ना बताई नहीं थी उसके अंदर कि कैसे जो है ना लोग स्कैम वगैरह भी करते हैं इसके अंदर और आपको जो है ना वो हैंड ऑर्डर करके बेचना शुरू कर देते हैं, जिसको वो पता चल जाए कि यार ये हैंड ऑर्डर नहीं है, मशीन मेड कार्पेट। कहते हैं हाँ जी हमने आपको कब कहा हैंड ऑर्डर है, ये तो मशीन मेड कार्पेट है, लेकिन जो क्या समझता नहीं है उसको जो है ना वो मर देते हैं हैंड ऑर्डर करके। तो आपको जी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये हाथ के हैं या मशीन के हैं, थोड़ी सी जो है ना आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप उससे जो कहें बताएं कि यार ये जो है ना मशीन मेड कार्पेट है, हैंड ऑर्डर कार्पेट नहीं है, तो वो फिर जो है ना आपको साफ साफ कह देंगे अच्छा एह जी ऐसी कहते तो क्या कि मशीन मेड जो हैंड ऑर्डर है मशीन मेड ही है। तो आई मीन इस तरह की जो है ना वो कहानियाँ बाजार के अंदर चल रही होती है, तो आप जरा थोड़ा सा जो है ना मुताद रहिएगा इस मामले के अंदर जी। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने जो है मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो आप उसमें जो है जाके मेरा लास्ट व्लॉग देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, क्या मैं जो है ना उसके मतलब बता रहा हूँ। जितनी भी जो है ना मालूमात आपको जो है ना उस व्लॉग के अंदर जो है ना मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग के अंदर जो मैं आपको कार्पेट्स का व्यू करवाऊंगा, अगेन कुछ उसमें पाकिस्तानी कार्पेट है और मेरे ख्याल से एक आधा जो है ना वो अफगानी कार्पेट है। गालबन तीन कार्पेट हैं, दो एक ही फैमिली के अंदर हैं, एक ही कैटेगरी के अंदर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनका कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो डिफरेंट है। और एक जो है ना अफगानी कार्पेट है वो डिफरेंट साइज का है। किस मटेरियल का है, किस फैमिली का है, क्या उसकी प्राइस है, क्या उसके ऊपर डिस्काउंट वगैरह हम लोग दे रहे हैं, और जितने भी वो जो है ना उसके फिनबैट्स में साथ साथ जो है ना आपको चल के बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम लोग जिस तरह मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हम लोग जो है ना डिस्काउंट्स वगैरह कर देते हैं। पहले हमने सेल वगैरह बिल्कुल नहीं की हुई थी, अगर आप वो बैनर देख सकते हैं ये वाला जो है ना सामने लगा हुआ बैनर, जी हमने सेल का जो है ना वो बैनर लगा दिया हुआ है। और लेकिन जो हम लोग 15% जो है ना इसके ऊपर डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं, और मैंने आपको पहले बताया था कि जिस तरह आपको यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो 5% और दूंगा, तो मैं आप लोगों को जो है अगर आप उसमें क्यूरी करते हैं मैं आपको ऑल टुगेदर 20% जो है ना वो डिस्काउंट दे दूंगा। पहले मैं आपको 15 दे रहा था, अब 15 हम वैसे ही दे रहे हैं अपनी शॉप के अंदर जो है सारों को, तो आपको जो है ना एक्स्ट्रा 5% जो है ना मैं उस पर डिस्काउंट वगैरह देने करूंगा, तो ऑल टुगेदर आप लोगों के लिए जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आइए व्यूअर्स, अब आपको कार्पेट्स का व्यू करवाता हूँ, कौन कौन से कार्पेट्स हैं, उनके क्या साइजेस हैं, कहाँ के बने में क्या प्राइसेस है, जो भी उसकी तफसील है मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। तो यार उबैद, पहला कार्पेट खोल के दिखाइएगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा जी आज का पहला कार्पेट। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तानी कार्पेट बना हुआ जी, और ये हमारा स्पेशल बुखारा बनता है जो थिक पाइल के अंदर बनता है। मैं अगर आपको इसकी पाइल जो है दिखाता हूँ कि कितनी हम लोग जो है ना थिक पाइल के पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन आपको मैं आज दोबारा बताता हूँ कि ये देखिएगा, ये मैं आपको क्लोज करके और दिखा देता हूँ कि व्यूअर्स ये देखें हमने थिक पाइल के अंदर जो है ना इसको बनाया हुआ है। अगर आप इसको साइड से देखें तो आपको जो है ना इसका पाइल का जो रेशियो जो काउंट है ना वो भी आपको पता चल जाएगा। सो ये मैं आपको बताता चलूँ अगेन कि ये पाकिस्तानी जो है ना हमारा स्पेशल बुखारा बनता है, और ये लोकली भी हमारा बहुत अच्छा चलता है, और एक्सपोर्ट तो इसकी जो है ना वो बहुत ही अच्छी चलती जी हमारी। अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप जिस साइड से देख रहे हैं ये इसकी जो है ना कार्पेट की डार्क साइड है, और मैं आपको जैसे जैसे वॉक करता जाऊँगा दूसरी साइड पे तो इसके रंग जो है ना वो मद्दम होते जाते हैं, जिस तरह कि मैं हर कार्पेट को आपको दिखाता रहता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से जो है ना इसके सारे कलर जो है ना लाइट है। अगर आप इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन देखें ना तो बड़ी खूबसूरत लगी हुई, स्पेशली अगर आप इस कलर की तरफ आते हैं कि ये जो है ना लाइट ग्रे की तरफ जो है ना वो कॉम्बिनेशन लगी हुई है, साथ उसके बाद जो है ये मस्टर्ड कलर लगा हुआ है, बेज है, ऑफ वाइट की कॉम्बिनेशन, आई मीन बड़ी खूबसूरत जो है ना कॉम्बिनेशन बनी हुई है जो बॉर्डर के अंदर इटसेल्फ चल रही है। साथ अगर आप देखें ना कि ये जो बुखारा डिजाइन इटसेल्फ है, जो ये पैटर्न है ना ये बुखारा कहलाता है जी, इसको हम लोग आई मीन यहाँ पे डब्बी भी बोलते हैं, गोला भी बोलते हैं। बुखारा टू प्लाई में बनता है, ये फोर प्लाई में बनता है, लेकिन हमारा जो है ना ये कार्पेट ये फोर प्लाई के अंदर बना हुआ है, और ये जो पैटर्न है ना ये इटसेल्फ बुखारा कहलाता है। और ये वाला अगर आप इसके अंदर देखें तो यही जो कलर कॉम्बिनेशन मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ यही कलर कॉम्बिनेशन इसके अंदर भी लगे हुए, सो मैरून के साथ इसकी कॉम्बिनेशन ये ज्यादा जो है ना ये कलिंग को उठा रही है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको इस कार्पेट की जो है ना डिटेल बताता चलूं कि ये 9x6 इसका साइज है, और ये पाकिस्तान का बना हुआ है, थिक पाइल के अंदर बना हुआ है, जिसमें मैंने आपको इसका पाइल का जो है दिखाया है कि इसका काउंट कितना है, फोर प्लाई के अंदर बना हुआ है, उसकी थिकनेस कितनी है वो मैंने सारा भी आपको जो है ना दिखाया है। तो ये डबल नॉट के अंदर जो कार्पेट बना होता है, और ये इसकी बेस जो है ना वो कॉटन की होती है, वूल का बना होता है सारा कार्पेट, पाकिस्तान का कार्पेट बना हुआ है, और इसका जो साइज है वो 9x6 है, और इसकी प्राइस जो है ना वो 1,90,000 है। मैंने आपको स्टार्ट में जिस तरह का बताया कि हमने जो है अपनी सेल अपनी स्टार्ट की हुई है, हमने 15% जो है ना उसके ऊपर सेल पे हम दे रहे हैं, और इसके ऊपर अगर आप YouTube से क्यूरी करते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा देंगे, तो आपको जो है ना ऑल टुगेदर 20% जो है ना डिस्काउंट इसके ऊपर मिलेगा, और आई मीन 1,90 के बाद -20% जो भी प्राइस बनती है वो इसकी जो है ना सेल प्राइस होगी।
तो इसी के साथ व्यूअर्स, अब नेक्स्ट कार्पेट आपको रिव्यू करवाता हूँ कि वो कौन सा है, किस फैमिली का है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, वो सारी डिटेल मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। तो बैद हमारे नेक्स्ट कार्पेट दिखाएगा जो दूसरा गालिबन कार्पेट है। ये देखे व्यूअर्स, ये हमारा जी आज का दूसरा कालीन। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि अगेन सेम फैमिली, सेम उसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन जितना भी है सारा कुछ वही है, सिर्फ साइज और कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो डिफरेंट है। अगर आप नीचे में देखें जो बॉर्डर के अंदर हमने आपको बताया था कि ग्रे की कॉम्बिनेशन से ब्लू है, सॉरी ब्लू कह रहा हूँ, ब्राउन है, ऑफ वाइट है, थोड़ा सा गोल्ड का जो है ना कॉम्बिनेशन लगी हुई है। इसके अंदर अगर आप कॉम्बिनेशन देखें ना तो आपको रस्ट मिलेगा, इसके साथ जो है गोल्ड मिलेगा, बेज मिलेगा, और अब इसमें जो डिफरेंस है ना वो ग्रे और यहाँ पे जो है ना बेस उसकी ग्रे की आ गई, लेकिन इटसेल्फ वहाँ पे जो है ना रस्ट कलर वहाँ पे हमने लगा दिया है। तो यही चीज जो है दोबारा ये इस बुखारा डिजाइन के अंदर भी आपको मिलेंगे, वही कलर कॉम्बिनेशन। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि ये जिस साइड से आप देख रहे हैं ये इस कार्पेट की जो है डार्क साइड है। मैं आपको इसके लाइट साइड से व्यू करवा देता हूं। व्यूअर्स, ये इसकी जो है ना लाइट साइड है। यहाँ से जितने भी आपको रंग नजर आ रहे हैं यहाँ से सारे आपको जो है ना वो मध्यम नजर आएंगे। एक कार्पेट की डार्क साइड होती है जहां से पाइल बैठ रही होती है, वहां से जो है ना इसके कलर्स जितने भी होते हैं ना वो लाइट नजर आते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता चलूं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो नीचे वाला कालीन आपको मैंने रेड वाला दिखाया था, ये एग्जैक्टली उसी फैमिली के अंदर बना हुआ है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, कलर्स का और साइज का। बाकी डिटेल जितनी भी है वो सारी सेम है कि किस मटेरियल में बना हुआ है, क्या बेस लगी हुई है और थिकनेस क्या है, वो सारी जितनी भी है ना वो एग्जैक्टली वही चीज है इसकी। मैं आपको इसका साइज बताता चलता हूँ कि इसका साइज जो है जी वो 8x5 इसका साइज है और ये भी पाकिस्तानी बना हुआ है और इसकी प्राइस जो है ना वो 1,40,000 है और डिस्काउंट एग्जैक्टली वही लगेगा जो मैंने आपको जिसने बताया। वो जितने भी कालीन में आपको दिखाऊंगा, जब तक मैं आपको दिखाता रहूंगा सेल हमारी चलती रहेगी, डिस्काउंट का स्ट्रक्चर जो है ना वो जी एक ही होगा इसके ऊपर भी। मैं अगेन आपको बताता चलूं, 8x5 इसका साइज है जी और 1,40,000 जो है ना उसकी कीमत है। तो आइए व्यूअर्स, अब आपको मैं तीसरा कार्पेट का जो है व्यू करवाता हूँ, वो कौन सा है, किस फैमिली का बना हुआ, सारी डिटेल्स जो है मैं आपको साथ साथ बताता हूँ उसकी। तो बैद ये तीसरा कार्पेट हमारा गालबन आज का लास्ट कार्पेट है, उसका व्यू करवाएगा। ये देखिएगा व्यूअर्स, ये हमारा जी आज का लास्ट कार्पेट और ये तीसरा कार्पेट और ये डिफरेंट फैमिली के अंदर बना हुआ है, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के अंदर बना हुआ है, डिफरेंट मटेरियल के अंदर बना हुआ है, डिफरेंट साइज के अंदर बना हुआ है। इसका मैं आपको बताता चलूं कि जी ये सुपर फाइन कजाक क्वालिटी है, जिससे मैं आपको पहले भी कजाक के जो है कार्पेट सिखाता रहता था कि जो है वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी अफगानी के जो आते हैं ये उसके अंदर बने होते हैं और इसके कलर कॉम्बिनेशन और इसका डिजाइन जो है इंटायरली दूसरे कालीनों के जो अफगानी जो टिपिकल जो इस तरह के कालीन चल रहे होते हैं उनसे जो है ना बिल्कुल ये हटके है डिजाइन। अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ साथ जो है ना मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो सबसे जो खूबसूरत चीज होती है ना वो इसके कलर कॉम्बिनेशन है। जैसे आप देखें ना, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूं कि ब्लू के साथ जो है ये मस्टर्ड चल रहा है, फिर लाइट ब्लू चल रहा है, फिर उसके साथ जो है ना बेज की कॉम्बिनेशन है, फिर ऊपर जो है ये बिल्कुल स्काई ब्लू या ग्रीनिश की तरफ आप जो है ना वो उसका कलर कॉम्बिनेशन चलेगी भी। तो यही इसकी खूबसूरती है। इसके बॉर्डर का कलर आप देखें तो बहुत ही जो है ना वो सटल कलर के अंदर बना हुआ है और इस जमीन का कलर जो है ना वो रेड के अंदर आ गया और रेड के साथ जो है जितनी कॉम्बिनेशन दी हुई है वो इसके साथ बड़ी सूट कर रही होती है और यही इसकी कालीन की जो है ना वो खूबसूरती के अंदर काउंट की जाती है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि ये जिस साइड से आप देख रहे हैं ये इस कालीन की जो है ना वो डार्क साइड है। मैं आपको जैसे जैसे वॉक करूंगा दूसरी साइड के अंदर तो आपको कलर जो है ना वो इसके मध्यम नजर आएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, यहां से इस कालीन के जितने भी रंग नजर आएंगे आपको सारे लाइट नजर आएंगे। सो ये इस कालीन की लाइट साइड है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको इस कालीन की जो है ना डिटेल बताता चलूं कि ये अफगानिस्तान का बना हुआ है, डबल नॉट के अंदर बना हुआ है, बेस इसकी जो है वो कॉटन की है और मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि ये 8x5 इसका जो है वो साइज है, कीमत जो है इसकी वो 2,50,000 रुपए है। डिस्काउंट आपको वही मिलेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। मैं दोबारा आपको जो है साइज और प्राइस कंफर्म कर देता हूँ कि जी 8x5 जो है वो इसका साइज है और इसकी प्राइस जो है ना वो 2,50,000 रुपए है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इसके अंदर मटेरियल यूज हुआ है वो हैंडस्पन वूल यूज हुई हुई है और जो रंग लगे हुए इसके जो वूल के जो रंग होता है वो वेजिटेबल डाइज के कलर होते हैं। बेस इसकी जो है वो कॉटन की है। बहुत खूबसूरत कालीन है, हॉट सेलिंग आइटम है। ये ट्रेडिशनल पैटर्न्स के अंदर आता है और जितना मर्जी आप इसको जो है ना जितने मर्जी नक्शे आ जाए, नई चीज आ जाए, हेरिटेज कार्पेट्स बिकना शुरू हो जाए, लेकिन कजाक का जो एक ट्रेंड है ना, जो उसका टेस्ट है ना, वो खत्म होने वाला नहीं है। आप किसी भी इंटीरियर के साथ जो है ना इन कालीनों को अगर आप बिछा लेना तो ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, आप बोर नहीं होते कुछ चीज। होता है ना मॉडर्न कार्पेट्स आप देख के कुछ अरसे बाद बोर हो जाते हैं, इन कालीनों को देख के जो है ना आप बोर नहीं होते। ये आपके डेकोर के साथ इतने जो है ना स्टेटमेंट बना देते हैं कि आपका खुद दिल करता है कि यार मैं इस कालीनी को जो है ना वो देखता जाऊं, क्योंकि इसके अंदर खासियत ये है कि इसके अंदर आपको कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो ज्यादा मिल जाती है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि ये वाले जो है ना कालीन इसके अंदर आपको देखे ब्राउन की जो है ना कॉम्बिनेशन ज्यादा मिल रही है या ब्लू मिल जाएगा आपको, लेकिन ये वाला जो कालीन आपको मैं दिखा रहा हूँ ना इसके अंदर बहुत जो है ना वो रंग लग गया। जिस तरह मैं आपको हेरिटेज के जो है ना कार्पेट जो करा दिखाता हूँ, तो इन फ्यूचर आपको ये होता है कि आपने इंटीरियर जो है ना अपना चेंज करना होता है, सोफे का कपड़ा, पर्दे चेंज करने हैं, फ्लोर जो चेंज करना है, तो आप इजीली इसमें से जो है ना वो कलर का
पिक कर सकते हैं कि कोई भी कलर जो है ना आपको मिल जाता है इसमें से लगाने के लिए, कि जी मैंने सोफे का कलर ये कर लूंगा, पेंटिंग मेरे इस कलर की हो जाएगी, वो आप एक अच्छी जो है ना स्टेटमेंट उसमें बना सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे आज के जी तीन कार्पेट्स जिसमें से एक अफगानी है, दो पाकिस्तानी, मैंने आपको कार्पेट दिखाए। इसके मुतालिक अगर आपने मुझसे कुछ भी पूछना हुआ, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, शॉप की जो लोकेशन है वो मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में बताई होती है। उम्मीद करता हूँ जी आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ मुलाकात होगी जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।